हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि कोरोना के साथ ही साथ अपने पांव पसार रही है हमारे देश भारत में। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि देश में जिन भी लोगों को डायबिटीज है, अगर उनको कोरोना हो रहा है तो बाद में ज्यादातर लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी यानी ब्लैक फंगस के लक्षण देखे जा रहे हैं। कई लोगों ने इस बीमारी की वजह से अपनी आंखें भी खो दी हैं। यह बीमारी एक तरह का इन्फेक्शन का रूप लेती है जो कि पहले नाक के साइनस वाले हिस्से में होती है, और लापरवाही बरतने और ज़्यादा ध्यान ना देने और इलाज ना कराने पर यह बीमारी सीधे ऊपर आँख में और फिर दिमाग तक फैल जाती है। इसलिए डॉक्टरों को, यदि इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो बाद में डॉक्टरों को उस मरीज की आँख निकालनी पड़ती है ताकि ये इन्फेक्शन उसके दिमाग तक ना पहुँचे और इसका असर कम हो जाए। तो यह बीमारी भी अक्सर मरीजों में देखी जा रही है, या पहली बार नहीं देखी जा रही है। पिछली बार जब कोरोना का अटैक हुआ था और कोरोना की लहर आई थी, यानी मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तब भी गुजरात में कई हिस्सों में लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी यानी ब्लैक फंगस का असर देखा गया था, और कई लोगों ने उस समय भी अपनी आंख गंवाई थी। और यही बीमारी इस बार भी देखी जा रही है। दोस्तों, यह बीमारी उन लोगों में ज़्यादा घातक सिद्ध होती है जिनको डायबिटीज़ या शुगर जैसी बीमारियाँ हैं। इस वजह से उन लोगों की इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक होता है यानी कमज़ोर होता है, और साथ में कोरोना की वजह से उनका इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, जिसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस नाम की यह बीमारी उनके शरीर में आसानी से घर कर लेती है और बाद में बहुत ही कम समय में अधिक नुकसान पहुँचा देती है, जिससे कई सारे लोगों ने अपनी आँखें भी खो दी हैं। इसलिए कृपया इस महामारी में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, और कृपा करके अपने घर से बहुत ही कम बाहर निकलें, मास्क लगाकर ही निकलें, ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें, क्योंकि सिर्फ कोरोना ही नहीं है जिससे हमें बचना है बल्कि कई सारी बीमारियां उससे संबंधित भी हैं जो कि देश में फैल रही हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आप सबको जागरूक करना है। मेरी अपने सभी व्यूअर्स से यही एक गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरोना ही अगली ऐसी बीमारी नहीं होने वाली है जिससे कि लोगों को बचना चाहिए, बल्कि उससे संबंधित और भी कई सारी बीमारियाँ हैं जो कोरोना के नाम पर उसी के साथ साथ फैल रही हैं। इसलिए हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए इन सब बीमारियों से सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है दोस्तों। अगर यह इन्फेक्शन फैल जाए तो दिमाग में फैल जाता है, और इसके बाद कई लोगों की मृत्यु भी हो सकती है और कई लोग कोमा में भी चले गए हैं। आपको पता है कि दिमाग हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा खास अंग है, और यदि उसमें कोई बीमारी आती है या इन्फेक्शन होता है तो उससे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि इस कोरोना के काल में एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें, और साथ ही साथ घर से कम बाहर निकलें तथा जब भी निकलें तो मास्क और सैनिटाइज़र का पूरा प्रयोग करें। आपकी सकुशल होने की मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।